आपका हरेक का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, आपका अपने मां के साथ डायरेक्ट और इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, वो पिताजी के थ्रू नहीं है, और पिताजी का जो रिलेशनशिप है आपके मम्मी के साथ आपके थ्रू नहीं है किसी भी, तो वो बच्चों के मां, बच्चों के मां कहते होंगे बट आपके थ्रू नहीं है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनका, और एक यूनिक रिलेशनशिप है, आप समझ भी नहीं सकते हो। एंड सेम वे आपकी मम्मी समझ भी नहीं सकती हैं कि आपका और पापा का क्या रिलेशनशिप है, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो चाहे जितना प्लेस करे कि हाँ मेरा मेरे पापा के साथ यही रिलेशनशिप था, इतना ही अच्छा रिलेशनशिप था, चाहे जितना सोच लेते हैं, नहीं वो इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि आपका और आपके पापा का क्या बॉन्डिंग है या रिश्ता कैसा है एग्जैक्टली। कोई एक दूसरे के रिश्ते को ठीक से 100% समझ ही नहीं पाता है। भाई बहन के बीच में रिश्ता, आपके बच्चे लड़ते हैं, आपको लगेगा अरे मेरा भी भाई है, मैं भी उसके साथ लड़ती थी, मैं भी उसके साथ लड़ता था। मत करो, उन दोनों का रिश्ता यूनिक है। वो ही समझते हैं कि उन दोनों के रिश्ते के अंदर क्या क्या है, उनको क्या क्या याद आता है। बचपन में अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा था या छोटी बहन को सताया था, हैरान किया था, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्होंने चुगली भी किया होगा तो भी आपको पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है, किसी और को पता नहीं है, आप उसमें न्याय नहीं दे सकते हो, और न्याय दिलाने के चक्कर में या न्याय देने के चक्कर में, न्याय करने के चक्कर में आप कुछ और लफड़ा कर बैठोगे, अपना रिलेशनशिप खराब करोगे। मत करो, उनके बीच में मत जाओ। तो एक बड़ी बात इसमें से यह निकल रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को संभालो। हर एक फैमिली में सबसे उचित काम क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप ये मत सोचो पापा को क्या करना चाहिए, मम्मी को क्या करना चाहिए, अरे भैया काश ऐसे करते तो, वो सब छोड़ दो, उनको सुधारने का काम तुम छोड़ दो, नहीं कर सकोगे, सोचना भी मत, सोच के तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो, अपने काम पे चले जाओ। मैं कैसे मेरा रिलेशनशिप मम्मी के साथ अच्छा रखूं, मैं कैसे मेरा रिलेशनशिप डैडी के साथ अच्छा रखूं, उन दोनों के बीच में झगड़ा है, ठीक है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा और क्लीन और क्लियर रहना चाहिए, मेरा रिलेशनशिप और मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ क्लियर रहना चाहिए। अगर मम्मी ने या डैडी ने मुझे खींचा अपने तरफ, ओवर एक तरफ झुकाव मत करो, एक किसी एक के तरफ मत चले जाओ, ऐसे मत बोलो मैं मम्मी के साइड में हूं, ये डैडी बहुत बुरे आदमी है, वो ऐसे हैं, वो पियक्कड़ होंगे, तुम्हारे पिता पियक्कड़ होंगे, ही मे बी अ ड्रंकर्ड, उनको जुआ खेलने का आदत होगा, प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होगा, लूज टेम्पर होगा, लूज टंग होगा, गंदा बोलने की आदत होगी, कुछ भी होगा, कुछ भी एक्सट्रीम, लेकिन इट इज नॉट फॉर यू टू जज, तुम उन्हें जज मत करो। मम्मी जज कर रही है, मम्मी जितना कर रही है कर लेने दो, वो उनका रिलेशनशिप है, तुम अपना संभालो, तुम जज मत करो, और तुम मम्मी के चश्मे पहन के डैडी को मत देखो, डैडी के चश्मे पहन के मम्मी को मत देखो, डैड और मॉम के चश्मे पहन के दादा दादी को मत देखो, तुम ये काम मत करो। ये बच्चों से कह रहा हूं और हर एक परिवार के सदस्य से कह रहा हूं, तुम अपना देखो, अपने रिलेशनशिप को सुधारो, और परिवार में मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है या टॉक्सिक है, मैं माहौल को सुधार रहा हूं कि मैं माहौल को बिगाड़ रहा हूं अपने एक्शन से, अपने शब्दों से। ऑलरेडी एक बिगड़ा हुआ माहौल है, मैं अगर संत महात्मा बन के घूमने लगूंगा कि नहीं नहीं चलो मैं शांति चाहता हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं तुम लोगों के बीच में शांति कायम करूंगा वगैरह, बहुत बड़ा चुतियापंती कर रहे हो, सोचना भी मत, ये सोचने से शुरू होता है तुम्हारा कि मैं शांति दूत हूं, मत करो तुम। यानी अगर एक बिलियर्ड टेबल है और बिलियर्ड टेबल पे बिलियर्ड बॉल्स हैं, तुम उनमें से एक बॉल हो, ऐसे मत सोचो कि तुम बड़े बॉल हो, हैवी बॉल हो, नहीं, तुम सेम साइज के बिलियर्ड टेबल पे एक बॉल हो,
और वो जो जो स्ट्राइकर है ना वो कुदरत है, कुदरत मतलब नॉट गॉड, कुदरत मतलब नेचर। बॉल, एक बॉल जाएगा दूसरे को हिट करेगा, दूसरा जाएगा तीसरे को हिट करेगा, चौथा वाला पॉकेट में जाएगा। दैट इज हाउ फैमिलीज वर्क, ऐसे होता है। अब इसमें तुम कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ऐसे मत सोच के जाओ कि मैं शांति दूत हूं, मसीहा हूं, ज्ञानी पुरुष हूं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व, एंड इवन इफ यू आर हेड ऑफ द फैमिली, तुम फैमिली के हेड हो तो भी तुम बिलियर्ड बॉल्स के बीच में एक बॉल हो, फैमिली के परिवार के एकदम हेड हो। और अगर तुम सोचते हो नहीं, मेरे मेरा शब्द, मैं जो कहता हूं वही होगा, भाई चुतियापंती करने जा रहे हो। कुछ हो जाएगा अनडाउटेडली, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पावर है, तुम कोई बड़ा फैसला ले लोगे, घर का डिवीजन कर दोगे, ये सब हो जाएगा, ये सब हो सकता है। सबके अपने अपने पैसे बांट दोगे, चुतियापंती कर सकते हो, लेकिन सुधरेगा नहीं, इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ओवर रिएक्ट मत करो, शांत रहो, बिलियर्ड बॉल्स में तुम एक बॉल हो, अपना काम करो, संभालो।